फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, तीन फेज में जो है RYB का सीक्वेंस पहचान करने के लिए मीटर काम में लिया जाता है। ये फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है, जिसमें अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो RYB कनेक्शन होंगे, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो RBY कनेक्शन होंगे। चित्र संख्या 2 में बताया गया ये, और इसी तरह से चित्र संख्या 3 में बताया गया कि एक चौक कॉयल और दो बल्ब को हम अगर स्टार में कनेक्ट कर लेते हैं तो भी हम उन बल्ब की रोशनी के अंतर को पहचान करके हम बता सकते हैं कि फेज सीक्वेंस जैसा था वैसा ही है या उसके विपरीत है। तो वो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, चौक कॉयल और दो बल्ब और तीन फेज के कनेक्शन के लिए यहाँ पर जगह है। अब यहाँ पर तीन क्रोकोडाइल क्लिप है, एक लाल रंग के केबल के साथ में है, एक पीले रंग के केबल के साथ में और एक नीले रंग के केबल के साथ में। इन तीनों क्रोकोडाइल क्लिप को इसके साथ कनेक्ट करो। तो इस तरह से हमने जो है RY और B कनेक्शन तीन फेज से कर दिए। अब स्विच चालू करो, चालू करो। अब जब स्विच चालू किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ऑफ करो, इसका मतलब अभी कनेक्शन RBY की फेज सीक्वेंस में। अब कोई से दो फेज बदल दो, दो फेज बदल दो। लाइन को दूर दूर रखो, स्विच चालू करो। अब जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग गया, तो ये कनेक्शन RYB हो गए। अब इसके बाद में हम जो है बंद करो। अब इसके बाद इसके कनेक्शन यहाँ करते हैं हम लैंप पे। हाथ हटा, पावर चालू करो। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला बल्ब तेज जल रहा है और राइट साइड वाला बल्ब जो है वो धीरे जल रहा है। ऑफ करो, कनेक्शन बदलो, दो फेज आपस में बदलने हैं। चालू करो कनेक्शन। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट वाला बल्ब तो धीरे चल रहा है और राइट वाला बल्ब तेज चल गया। ये यहाँ पर चौक कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर थ्री फेज कनेक्शन दिए हुए। तो इस तरह से हमने जो है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर की अध्ययन किया। धन्यवाद।